ਕਲਮਾ ਪਰ ਕੀ ଭାରତର ମଣି ତୁମେ ତୁମେ ଆମ ଗୌରବ ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦେଖ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତି ହୃଦୟ ତୁମ ପାଇଁ କି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ଏକଲାମ ଏକଲାମ ତୁମକୁ ଆମ ସଲାମ ହେ କଲାମ ହେ କଲାମ ତୁମକୁ ଆମର ସଲାମ ହେ କଲାମ ହେ କଲାମ ତୁମକୁ ଆମର ସଲାମ जिस बातों से रेडी रेडी हाँ को हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कलम अब्दुल कलाम की अब्दुल कलाम की अब्दुल कलाम की बोलो बोलो नाज़रीन किराम आप देख रहे हैं यहाँ चांदीपुर साहिली किनारे पे आज APJ अब्दुल कलाम जी के जो मुजस्समे यहाँ लगाए गए हैं नस्ब किए गए हैं यहाँ पर यहाँ के लोकल वार्ड काउंसलर शाहनवाज खान और ताज खान और हीरा भाई के साथ और भी तमाम यहाँ तक के मतलब स्मृति कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे धोड़ो भाई वो भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं और ये पता करते हैं कि आज यहाँ पर केक काटने का अहतमाम किया गया है और देखिए बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे ये देखिए छोटे बच्चे आज ये बच्चे ने केक काटा है और खुशियाँ मनाया जा रहा है। असल में नाज़रीन ये बताना चाहूँगा कि APJ अब्दुल कलाम जी हिंदुस्तान के लिए ऐसे फ़ख्र थे, उन्होंने हिंदुस्तान को मिज़ाइल पावर दिया, उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसे मज़बूत बना दिया ताकि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज इस समुंदरी किनारा जो चांदीपुर किनारा उनके नाम से मंसूब कर दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम सीवीज के नाम से मंसूब कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब वो राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक हमारे हिंदुस्तान के सदर रहे तो उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए और सबसे बड़ी बात है ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इससे साबित होता है इस बात की कि वो बच्चे से बहुत प्यार करते थे, बच्चों से उनको बहुत दिलचस्पी थी। और सबसे बड़ी बात ये रही जब उनकी इंतकाल हुई, जब उनकी आखिरी वो सफ़र में निकलने लगे तो उस वक्त भी वो बच्चों के दरमियान थे, बच्चों को स्पीच दे रहे थे और बच्चों को खिताब करते हुए उन्होंने अपना ये जो है आखिरी सफ़र का जो शुरुआत किया। और उनका ये कहना था कि आप सपने ज़रूर देखिए मगर सपने सो कर नहीं, अपने जाग कर देखिए। आज इसी के साथ हमारे साथ बहुत बच्चे हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैसा महसूस करते हैं जो किसा कहिबे APJ अब्दुल कलाम पर। बहुत भल लगुचे आउ हमें जानिचे जे APJ अब्दुल कलाम कोन करचंती सति में हमें गर्व। आप क्या कहेंगी APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में? से तो हमर देश रो पूरा नाम बहुत करचंती आउ हमें जाइबे तांको बले आउरी सब छोटो छोटो पिला माने समिति ना करंतु आउ हैप्पी बर्थडे। बहुत बढ़िया। और आइए हमारे साथ जो यहाँ के जो लोकल काउंसलर हैं मतलब शाहनवाज खान साहब जो ये 7 नंबर वार्ड आता है, 7 नंबर वार्ड के काउंसलर हैं। आज उनकी कोशिश, शाहनवाज खान की कोशिश और हमारे ताज खान की कोशिश और हीरा भाई की कोशिश
लोगों ने सुबह ये तय किया, सुबह ही तय किया, क्योंकि सुबह जब हमारे माने एमपी रविंद्र कुमार जेना और एमएलए हमारे जीवन प्रदीप दास और चेयरमैन आलोक कुमार साहू सब इस सुबह जब आए थे यहाँ, उनके जो मुजस्मे आप देख रहे हैं उस पर जो फूल का माला चढ़ाने जब आए थे सुबह, तो उन्होंने सुबह ही तय किया कि हम शाम को केक काट कर सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत ही कम वक्त में इतना कुछ अंजाम देना बहुत बड़ी बात है। शाहनवाज भाई, आप किस नज़रिया से देख रहे हैं आज के इस मौके को? सबसे बड़ी बात है कि जो आज जो मकबूल कलाम जो कमेटी जो है सबसे, इन्होंने बहुत मेहनत किया इस मकाम पहुंचने के लिए, और जो अब्दुल कलाम जो हैं वो शख्स हैं जो हम वो नसीब वाले हैं कि हमें ये शख्स मिला है। तो इन्हें जो अब्दुल कलाम ने कहा था कि चांदीपुर से उन्हें बहुत लगाव था, क्योंकि वो हर ज़्यादातर अपना ज़्यादा वक्त तो यहीं पर बिताते थे। तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा इस कॉमेटी का, जो संभव जी, संजय दास और तमाम जो उन्होंने जब सभी ने जो किया है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मतलब जितने सारे जो लोग भी हमारे साथ बहुत सहयोग किए तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दरमियान शंभू भाई जो स्मृति कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे और मतलब ये पूछना चाहेंगे कि आज केक का मतलब काटने का जो अहतमाम किया गया, आप क्या सोच के केक काटने का इंतजाम किया आज? क्यों ना, ये तो आप जानते हैं बीच अब्दुल कलाम का जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जानते हैं, सभी जानते हैं ये कि पूर्वतन राष्ट्रपति है, बहुत अच्छा आदमी है, इसके ऐसे जैसे इंसान मिलना बहुत बड़ा मुश्किल की बात है। तो उसी आदमी को जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो हमारा भाग्य में है जो हमें इस कमेटी में बनाए गए, और कमेटी के जो मेंबर है सब प्यारे भाई जो है सब मिलके जो ये तय किए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन शुरुआत हुआ है, आगे से इससे अच्छा होगा, कैसे बेटर होगा, ये जो देख रहे हैं सब एरिया इसे कैसे डेवलप करेंगे, बच्चों के लिए खिलौना वगैरह जो, क्योंकि बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों से लगाम था उन लोगों, तो इसके आदमी के लिए हम कोशिश करेंगे यहाँ कैसे डेवलप हो, ये जो हो रहा है इससे आगे और कितना डेवलप कर सकते हैं और अच्छा से बढ़िया कर सकते हैं, इस मेंबर कमेटी को लेके आगे बढ़ना चाहूँगा, इस लोगों को बोलूँगा कि ये जोड़ी। लेकिन ये एक बात है, गर्व से हम बोल सकते हैं ऐसे आदमी जो हम इंडियन है, ऐसा इंडिया को ऐसा बना के चले गए जो कहीं भी हम गर्व से कह सकते हैं हम इंडियन है। अली मुस्तफा अली जी, आप अभी यहाँ पे जो केक काटा गया और आपने भी उसे सेलिब्रेट शामिल हुए, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं, किसका बर्थडे मनाया गया आज? सर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे मनाया गया, जो इंडिया के मिसाइल मैन रह चुके हैं, रह चुके मतलब क्या, उनको नोबेल प्राइज मिला है, इंडिया के मिसाइल मैन, इंडिया को फर्स्ट सैटेलाइट उन्होंने दिया है। क्या कहना चाहते थे एपीजे अब्दुल कलाम अपने मैसेज में, क्या कहते थे एपीजे अब्दुल कलाम? यूनिटी, यूनिटी होना चाहिए हर रिलीजन में, एक अपनापन होना चाहिए। उनका एक बार का वाक्य है, जब वो एक मीन्स क्या बोलते हैं उसको, दीपावली में ये दिया जलाने जा रहे थे, तो उन्होंने कैंडल से लिया और कैंडल से जला रहे थे, बोल रहे थे कि मैं एक मुसलमान हूँ, एक हिंदू का दिया जला रहा हूँ, वो भी एक क्रिश्चियन के कैंडल से। क्या कहने, बहुत अच्छे, और मगर सो कर नहीं जागते हुए, जागते हुए आँखों से। तो क्या आप इस तरह जागते हुए आँखों से सपने देखते हैं? ज़रूर देखते हैं। कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहा है? 12th में। आज कार जन्मदिन पढ़ते हो? एपीजे अब्दुल कलाम से केरक मनीष थे, बहुत ही भल थे, आई जो आम भारत समस्त किसी भल भी कर ज्योति प्रभा नायक। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ए प्लस टू सेकेंड इयर एफ एम पढ़ु। ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କେରକମ ମଣିଷ ଥିଲେ? ସେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଏଇଠି କେକ୍ କାଟିକି ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେରକମ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ଆମେ ମନଉଛୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ, ଆମ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନଉଛୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମନଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଉଛୁ ଆମେ। ତ ନାଜରିନ ଆପ ଦେଖ ରହେ ଥେ ୟହାଁ ପର केक जो है काट कर जो है सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम जी का इंतकाल हुआ था, यानी 27 जुलाई 2015 पूरा देश, पूरा मैं तो यूं कहूंगा कि पूरी दुनिया जो है गम के समंदर में गर्क हो गया था, और ख़ासकर हिंदुस्तान में एक मातम सा छा गया था
तीन दिन हिंदुस्तान के जो है तिरंगे नीचे नीचे की तरफ डाउन होकर रखा गया, क्योंकि तिरंगा को झुका के रखा गया, क्योंकि किसी भी बड़े शख्सियत को अगर जब उनकी इंतकाल हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, तो दुख का इजहार करने के लिए तिरंगा को नीचे झुकाया जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम जी की जब इंतकाल हुई थी तो तीन दिन तक जो है हिंदुस्तान का तिरंगा झुका रहा और बड़े ही शान और शौकत के साथ, बड़े ही एजाज़ के साथ उनके आखिरी सफ़र का तमाम तर काम जो है अंजाम दिया गया था। तो उस वक्त आपको बताता चलूँ, उस वक्त हम लोग हमारे स्टूडियो में एक प्रोग्राम रखे थे APJ अब्दुल कलाम जी के ताज़ियाती प्रोग्राम कहा जाता है, ताज़ियाती प्रोग्राम जो है हम उनके इसलिए रखे थे उनके नाम पर। तो उस वक्त नाज़रीन आपने सुना था, फिर और एक बार सुनाता हूँ कि मैंने चार लाइन छः लाइन कहा था उनके ऊपर में, वो ये था कि आँखों को जो सलोने सपने दिखाने वाला, आँखों को जो सलोने सपने दिखाने वाला, हमसे जुदा हुआ वो रॉकेट बनाने वाला, हमसे जुदा हुआ वो रॉकेट बनाने वाला, रखता था सोच ऊंची और फिक्र में बुलंदी, रखता था सोच ऊंची और फिक्र में बुलंदी, पस्ती में जो थे उनको ऊंचा उठाने वाला, पस्ती में जो थे उनको ऊंचा उठाने वाला, और गुमराह जो थे रह रवे मंजिल उन्हें दिखाई, रास्ता बुलंदियों का वो था दिखाने वाला। तो ये सोच उनका था, और वो इस तरह जो है वो हमेशा जो है अपनी मैसेज में ये कहा करते थे कि वक्त का कदर करो। तो वक्त के ऊपर में मैंने उनके लिए ही कहा था कि वक्त का पहिया यूं ही घूमता रहेगा, वक्त का पहिया यूं ही घूमता रहेगा, खुशियां आती रहेंगी गम जाता रहेगा, दुनिया में रहता नहीं कोई हमेशा, दुनिया में रहता नहीं कोई हमेशा, काम अच्छा करते रहो नाम होता रहेगा, काम अच्छा करते रहो नाम होता रहेगा। तो नाज़रीन आपने देखा कि अब इस वक्त हम चांदीपुर के सिविज में हैं और APJ अब्दुल कलाम जी के मुजस्मे के पास खड़े हैं, केक काटा गया, तकसीम किया गया, बच्चों को खिलाया गया, अपने भी दोस्त अहबाब खाए, बहुत इंजॉय किए। नाज़रीन हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अमन का एक गहवारा बने, यहाँ पे भाईचारगी हमेशा कायम रहे। शुक्रिया। मुझे भी कमेटी के मेम्बरान ने केक खिलाया, वैसे बहुत टेस्ट है केक में। तो मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में अमन बरकरार रहे, जिस तरह APJ अब्दुल कलाम जी भाईचारा को लेकर चलते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके नज़र में कोई जात पात की बात नहीं थी, वो हर जगह जाते थे, हर लोगों से मिलते थे, बच्चों से प्यार करते थे। तो इसी तरह उनके जो है दर्स जो हमें दिया गया था वो दर्स हम कायम रख सकें, हमारे हिंदुस्तान में अमन बरकरार रहे। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि तमाम कमेटी वाले, जिस तरह भाई ने कहा कि हम साथ में हैं और साथ में रहेंगे, और आने वाला कल जो है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उनकी यौम पैदाइश मनाएंगे, हम उम्मीद करते हैं इस तरह आप लोग मनाते रहिए। कैमरामैन शेख साजिद के साथ अजीम बालेसरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, उड़ीसा।